bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum and welcome back to another lesson of english subject for grade 3 students uh, today we are going to do the last part of the uh, exercise of the story the wooden bowl uh, and it is the composition part in this part we are going to write a paragraph

टू अर्न देअर लिविंग जब वो यंग थे तो वो क्या जॉब करते थे डू दे स्टिल वर्क थिंक अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स दैन टेल द अदर्स इन योर क्लास अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंगस अबाउट दैम ओके आपने ये सारा कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करना है एंड वी आर गोइंग टू राइट ऑल ऑफ दिस इन अ पैराग्राफ

और जितनी लाइंस यहाँ पर अकोमोडेट हो सकती है हम उतनी ही लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसी के हिसाब से अपना पैराग्राफ लिखेंगे ओके द मोस्ट इम्पॉटेंट थिंग अबाउट दिस पैराग्राफ इज़ दैट वी विल नॉट राइट एक्स्ट्रा डिटेल्स वी विल जस्ट आंसर द क्वेश्चन गिवन अबाउ लाइक ये जो क्वेश्चन इन्होंने ऊपर दिया हुआ है कि डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग हम पहले ही क्वेश्चन का आंसर फिर सेकेंड का फिर थर्ड का और इसी तरह करते करते uh, आखिरी क्वेश्चन तक जाएंगे जो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है सो लेट्स बिगिन माई ग्रैंड पेरेंट्स माई ग्रैंड पेरेंट्स सो जो पहली बात क्वेश्चन में पूछी गई थी कि डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स सो यस My ग्रैंड पेरेंट्स आर अलाइव हाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं मेरे दादा दादी जिंदा हैं ठीक है अच्छा जिनके दादा दादी ज़िंदा नहीं हैं और इनके नाना नानी जिंदा है तो वो वो ये पैराग्राफ नाना नानी के बारे में भी लिख सकते हैं लेकिन जिनके मतलब दोनों साइड से ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो उनके लिए मैंने एक सोल्यूशन ये निकाला है कि उनके लिए एक अलग पैराग्राफ लिखा है मैंने और वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो फिलहाल हम उनके लिए ये पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं यस माय ग्रैंड पेरेंट्स आर अलाइव दे लिव इन मर्दान दे लिव इन मर्दान माय ग्रैंड फादर वॉज अ टीचर माय ग्रैंड फादर वॉज अ टीचर व्हेन ही वॉज यंग जब मेरे ग्रैंडफादर यंग थे तो वो एक टीचर थे ही स्टिल टीचर्स ट्यूशंस ही स्टिल टीचर्स ट्यूशंस अब भी ट्यूशंस पढ़ाते हैं टू कॉलेज स्टूडेंट्स टू कॉलेज स्टूडेंट्स माई ग्रैंड मदर इज अउस वाइफ शी लव्ड to do embroidery and cooking. She loved to do. She liked. उनको बहुत अच्छा लगता था कढ़ाई करना और खाना बनाना But she cannot do. Now she cannot do. I'm sorry, I repeated she two times. But now she cannot do these things because she is very weak. बट अब वो कढ़ाई भी नहीं कर सकती और कुकिंग भी नहीं कर सकती बिकॉज शी इज वेरी वीक बहुत कमजोर है वो ठीक है सो ये पैराग्राफ मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव है एक बार फिर पढ़ रही हूँ इसको येस माई ग्रैंड पेरेंट्स आर अलाइव दे लिव इन मरदान अच्छा आप मरदान की जगह वो जगह भी लिख सकते हैं जहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं माई ग्रैंड फादर वॉज ए टीचर वेन ही वॉज यंग मेरे ग्रैंडफादर टीचर थे जब वो यंग थे अच्छा आपके ग्रैंडफादर क्या थे आप अपने फादर से पूछ सकते हो या अपनी मदर से पूछ सकते हो जो प्रोफेशन उनका था वो आप यहाँ लिख सकते हो जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही लिखा हुआ प्रोफेशन यहाँ पे कॉपी करो जस्ट आप टीचर की जगह लिख सकते हो कि वो लॉयर थे या डॉक्टर थे या जो भी थे आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोफेसर थे या फिर मेसन थे या कारपेंटर थे जो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो जो जो उनका प्रोफेशन था वो वेन ही वॉज यंग ही स्टिल टीचर्स ट्यूशन टू कॉलेज स्टूडेंट्स अच्छा फिर आजकल वो ये काम करते हैं या नहीं वो आप यहाँ लिख सकते हैं ठीक है या फिर आप यहाँ पर सिंपली ये भी लिख सकते हैं बट ही कैन नाट वर्क नाउ ही कैन नाट वर्क नाउ ठीक है माई ग्रैंड मदर इज़ अ हाउस वाइफ अगर आपकी ग्रैंड मदर कोई जॉब करती थी तो आप वो जॉब लिख सकते हैं ठीक है लेकिन मोस्टली लोगों की जो पहले वक्तों में जो ख़ात थी वो जॉब नहीं करती थी तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों की जो ग्रैंड मदर्स होंगी वो हाउस वाइफ होंगी हार्डली कोई थर्टी परसेंट बच्चों के जो ग्रैंड मदर्स होती हैं वो उनका तल्लुक़ किसी प्रोफेशन से होता है तो इसलिए मैंने हाउस वाइफ लिखा है यहाँ पे शी लव्ड टू डू एम्ब्रॉयडरी एंड कुकिंग उनको बड़ा अच्छा लगता था जब वो कढ़ाई करती थी या फिर कुकिंग करती थी बट नाउ शी कैन नॉट डू दीज थिंग्स बिकॉज शी इज़ वेरी वीक क्योंकि अब वो बहुत कमज़ोर हैं ठीक है थीके? अब वो ये काम नहीं कर सकती क्योंकि अब वो बहुत कमज़ोर हैं जी तो मैंने आपको बताया था कि जिनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए मैंने अलग पैराग्राफ लिख के रखा हुआ है तो वो पैराग्राफ अभी मैं रीड करने वाली हूँ अगर कोई जिनके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं तो वो इस पैराग्राफ से हेल्प ले सकते हैं लेकिन ये सिर्फ हेल्प लेने के लिए आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स तो आंसर नो no. आई डोंट हैव ग्रैंड पेरेंट्स दे डाइड अ फ्यू य फ्यू ईयरस अगो वो उनका इंतकाल कुछ साल पहले हुआ दे डाइड अ फ्यू ईयर्स अगो उनका इंतकाल कुछ साल पहले हुआ दे यूज़ टू लिव इन मरदान वो मरदान में रहा करते थे करते थे के लिए यहाँ यूज़ टू कवर्ड इस्तेमाल किया मैंने दे यूज़ टू लिव इन मरदान जब वो ज़िंदा थे वो मरदान में रहते थे आप कुछ और लिख सकते हो अगर वो काटलंग में रहते थे आप वो लिख सकते हो अगर वो फैसलाबाद या लाहौर वगैरह में रहते थे तब भी आप लिख सकते हो ठीक है दे यूज़ टू लिव इन मरदान माई ग्रैंड फादर वॉज अ टीचर वेन ही वॉज यंग मेरे ग्रैंड एक टीचर थे जब वो यंग थे आप अपनी अपने फादर से अपने ग्रैंड का प्रोफेशन पूछ कर यहाँ लिख सकते हो ठीक है माई ग्रैंड मदर वॉज अ हाउस वाइफ बट शी लव टू डू कुकिंग एंड स्टिचिंग मेरी ग्रैंड मदर एक हाउस वाइफ थी लेकिन उनको खाना बनाना और कपड़े सिलाई करना बहुत पसंद था हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मजाक करने वाले इंसान थे मतलब हंसाने वाले इंसान के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कि ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा uh, मतलब हंसी मज़ाक करने वाले इंसान को के लिए हम कहते हैं कि ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर माई फादर टेल अलॉट अबाउट दैम माई फ़ादर टेल्स आस अबाउट अ अबाउट देम मेरे फादर हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं माई फादर टेल्स आस a lot अबाउट them. मेरे फादर हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं मैं ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ने लगी हूँ नो आई डोंट हैव ग्रैंड पेरेंट्स They died a few years ago. They used to live in Mardan. My grandfather was a teacher when he was young. My grandmother was a housewife, but she loved to do cooking and stitching. They had a good sense of humor. My father tells us a lot about them. My father tells us a lot about. Then, एक और क्वेश्चन जो आपको इसी पेज पे दिया गया है कंपोजिशन पार्ट में वो है हैव यू एवर मेड एनीथिंग हैव यू एवर मेड एनीथिंग कभी अपने हाथों से कोई क्रिएटिव चीज बनाई है वट डिड यू मेक हाउ डिड यू मेक इट वट डिड यू वाई डिड यू मेक एंड हु डिड यू मेक इट फॉर आपसे फोर क्वेश्चन पूछे वट डिड यू मेक हाउ डिड यू मेक इट वाई डिड यू मेक इट हु डिड यू मेक इट फॉर ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट अबाउट इट अच्छा मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है अक्सर बच्चों का इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता कि हम किस चीज़ की मेकिंग के बारे में बताएं तो उनके लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ जो होते हैं मतलब बचपन में अक्सर बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा होता है कुछ लोगों को कागज़ से मुख्तलिफ़ आइटम्स बनाने आते हैं कोई फूल बना लेता है कोई कागज़ का घर वगैरह बना लेते हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं अच्छा लड़कियों के जो मुख्तलिफ शौक़ होते हैं तो वो लोग क्या करती हैं कि मोतियों से या रिबन्स वग़ैरह से कोई ब्रेसलेट्स या ज्वेलरी आइटम बनाती हैं तो उसके बारे में लिख सकती हैं कि उन्होंने क्या क्या यूज़ करके कोई चीज़ बनाई और किस के लिए बनाई ठीक है और किस इवेंट पे बनाई क्या ख़ुशी का मौका था जिस पर उन्होंने ये बनाया और किया ठीक है अच्छा कुछ जो डेकोरेशन पीसेज़ हैं आजकल बहुत इजीली काफ़ी सारे डेकोरेशन पीसेज़ लोग बनाते हैं आ, जो डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स और स्पूनस के थ्रू काफ़ी ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत डेकोरेशन पीसेज़ लोग बनाते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं कार्ड से या का जो कार्टन होते हैं जो डब्बे होते हैं जो पुराने डब्बे या जो भी चीज़ रद्दी हो जाती है तो उसको रिसाइकल करके भी कुछ लोग मुख्तलिफ न्यू आइटम बना लेते हैं डेकोरेशन पीसेस के तौर पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ज, जिसका यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं स्टफ़ uh, टॉयज़ जो हैं वो अक्सर बच्चे बनाते हैं जो वेलवेट uh, का कपड़ा होता है जिसको आप आमतौर पे जो शनील भी कहते हैं वेलवेट है इसके इसको मुख्तलिफ शेप में काट के उसके अंदर कॉटन फिल की जाती है तो वो टॉय बन बन जाता है जो टॉय बनाना चाह रहे होते हैं जो गुड़िया वगैरह बनाने का गुड़िया अक्सर लड़कियां बनाती हैं बॉयज़ को काइट फ्लाइंग का बड़ा शौक़ होता है तो पतंग बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ मतलब उसमें डिज़ाइन सीखे होते हैं तो काइट के बारे में लिख सकते हैं कि मैंने एक काइट बनाई थी और उसको किस तरह कलर किया था मतलब मुख्तलिफ कलर्स के उसमें क्रेप पेपर यूज़ किए थे तो वो भी हो सकता है कुछ लोग प्लास्टिक की बॉटल्स को काट के उसमें से डेकोरेशन पीसेस बना लेते हैं प्लास्टिक की चीज़ों को काट काट के उसके मुख्तलिफ पीसेस बना लेते हैं कुछ लोगों को क्रेप पेपर से या टिश्यू पेपर से गुलाब या फूल बनाने आते होते हैं वो उसका आइडिया लिख सकते हैं कि उसको कैसे बनाया आ, या फिर कोई ड्राइंग या पेंटिंग जिन्होंने तैयार की हो मुख्तलिफ़ कलर्स उसमें यूज़ किए हो कि मैंने ये तैयार की थी आ, अपने खाने की कोई चीज़ पकाई हो और वो बहुत अच्छी बन गई हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि मैंने खाने की कोई चीज़ बनाई थी आप चाय का भी लिख सकते हो अगर अच्छी बनी थी और लोगों ने तारीफ़ की थी तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो अगर वाकई आपको तरीक़ा आता है तो और इसके अलावा और क्या हो सकता है कुछ बच्चों को मिट्टी से खेलने की, की जो आ, आदत होती है वो मिट्टी से काफ़ी चीज़ें बना लेते हैं और आजकल तो मतलब इसका ये एक किस्म का आर्ट बन गया है कि इससे खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बना के उनको पेंट करके बिल्कुल रियल चीज़ जैसी प्रोड्यूस कर ली जाती है तो मिट्टी से बने हुए घर और उसी मिट्टी के बने हुए फिर उसके अंदर बेड्स वगैरह और सारा किचन का सामान और जो डाइनिंग टेबल्स और चेयर्स और सब कुछ मिट्टी का बना होता है कभी कभार तो वो फ्रूट और वेजिटेबल्स भी मिट्टी के बना के उसमें कर लेते हैं पूरा एक होता है अच्छा इसी से एक और कनेक्टेड आइडिया मुझे जहन में आया कुछ लोग पैकिंग मटेरियल से मॉडल्स बहुत अच्छे बना लेते हैं आप में से काफ़ी बच्चों ने मॉडल्स बनाए थे स्कूल के लिए भी एग्जिबिशन के लिए तो उनमें से कोई मॉडल का जो तरीका कार जो आपने बनाया जिस तरीके से बनाया वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कभी टू uh, uh, मुख्तलिफ डिशेस को मिला के आपने कोई नई चीज़ बनाई हो कभी किसी चीज़ को अपने नए तरीके से पकाया हो वो भी आप लिख सकती हैं इसमें सो आई थिंक आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ आइडियाज़ अबाउट व्हाट टू राइट इन दिस पैराग्राफ ठीक है यहाँ पर मैं एक बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ लिखने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है ये इतना सा स्पेस है ठीक है तो उसके सामने मैं उसी के हिसाब का एक पैराग्राफ लिखने वाली हूं और आप अपनी मर्जी की अपनी चीज जो आपने बनाई है उससे रिलेटेड आप पैराग्राफ लिखेंगे ठीक है सो बिफोर स्टार्टिंग द पैराग्राफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फ्यू लाइंस ओके माई टॉपिक इज आई मेड अ बास्केट आई मेड अ बास्केट वंस आई मेड अ बास्केट ऑफ ओल्ड Nimco boxes. I cut six pieces of boxes into trapezoid shape and I stuck them together with a hexagon piece. It looked very nice. I used it for keeping flowers on my study table. आई एम रीडिंग द पैराग्राफ अगेन वंस आई मेड अ बास्केट ऑफ ओल्ड निम्को बॉक्सेज आई कट सिक्स पीसेज ऑफ बॉक्सिस इन टू ट्रेपजॉइट शेप एंड आई स्टक दैम टूगेदर विद पीस इथ लुक् वेरी नाइस आई यूज इट फॉर कीपिंग फ्लावर्स ऑन माई स्टडी टेबल अच्छा वो बास्केट जब बनी थी तो वो बिल्कुल इस शेप की लग रही थी जैसी मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है और अगर आपको ट्रेपजॉइड शेप और हेक्सागोन शेप का कोई आइडिया नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो पीस ऑफ कार्ड है इसको मैंने हेक्सागोन शेप में काटा है ठीक है ये हेक्सागोन है इस शेप को हेक्सागोन कहते हैं हेक्सागोन। और इसी के साथ ट्रेपजॉइड शेप में आपको बताती हूँ वो कैसी होती है इस शेप को ट्रेपजॉइड शेप कहा जाता है ऊपर से इनकी इसकी लेंथ ज़्यादा होती है और नीचे से जो इसकी लेंथ होती है वो कम विथ विथ सॉरी इसकी विथ ऊपर से ज़्यादा होती है और नीचे से कम होती है और लेंथ दोनों साइड से सेम होती है लंबाई दोनों तरफ से सेम होती है ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा और नीचे से चौड़ाई कम बास्केट बनाने के लिए पहले इसको इस साइड से जोड़ा गया दूसरा पीस इस साइड जोड़ा गया तीसरा पीस इस साइड को चौथा इस साइड को पांचवा इस साइट को और छठा इस साइट को फिर जब ये सारे आपस में मिल गए तो इससे बास्केट खुद ब खुद बन गई यहाँ इस पैराग्राफ में आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपने क्या बनाया आपने जो चीज़ बनाई अगर वो उसकी पिक्चर लेकर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होगी आप जो चीज़ बना सकते हैं जो आप अपने हाथ से बना सकते हैं वो चीज़ अगर आप बनाकर उसकी पिक्चर लेकर हमें सेंड करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी लेकिन साथ में एक पैराग्राफ होना चाहिए कि जिसमें आपने उसका तरीका लिखा हो कि आपने क्या बनाया कैसे बनाया कब बनाया और किस के लिए बनाया ठीक है तो मैंने तो इसको अपने लिए बनाया था अपने स्टडी टेबल पर फ्लावर्स रखने के लिए आप क्या करने के लिए बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो आप अपनी डिटेल लिखोगे आज के लिए इतना काफ़ी है आज सारा क्रिएटिव वर्क था आई होप आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड पैराग्राफ और हैव यू एवर मेड एनी थिंग ये पैराग्राफ हमने दो पैराग्राफ्स आज लिखना सीखे और हैव यू एवर मेड एनी थिंग के काफ़ी सारे आइडियाज़ को हमने डिस्कस किया ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में दो किस्म के पैराग्राफ लिखने सीखे एक अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं यानी जिंदा हैं तो अपने पैराग्राफ में क्या लिखना है और एक अगर वो अलाइव नहीं है तो आपने पैराग्राफ में क्या लिखना है ठीक है तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के पैराग्राफ से आज के लिए इतना ही काफ़ी है विश यू बेस्ट ऑफ़ लक अल्लाह علما